हाय गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गेमिंग न्यूज, जिसमें मैं लास्ट वीक की इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट न्यूज कवर करता हूँ। और आज भी मेरे पास काफी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है बहुत से गेम्स की तरफ से, लाइक 4G, PUBG मोबाइल, Assassin's Creed Valhalla, Apex Legends मोबाइल और भी बहुत से गेम्स की तरफ से। तो इस एपिसोड को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, वरना कोई आप इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर जाओगे। और स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और यहाँ सबसे पहले PUBG मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको लेकर नई डिटेल्स निकल कर आ रही हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो इनकी माइक्रोसॉफ्ट के Azure के साथ डील हुई है, जिसमें ये सारा डेटा उनके सर्वर्स पे स्टोर कर पाएंगे। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट US की कंपनी है। उसके अलावा मैक्सर ने भी एक लीक दिया है PUBG मोबाइल की रिलीज डेट को लेकर, और उनका कहना है कि नवंबर 15 को PUBG मोबाइल के इंडियन पब्लिशर का पता लग जाएगा, फिर 2 दिसंबर तक सारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हमें एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट मिल सकती है, और दिसंबर से जनवरी के बीच में हमें PUBG मोबाइल गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ये लीक्स कितने सही निकलते हैं, और जो PUBG मोबाइल इंडिया में आता है तो उसमें ऐसा क्या अलग होता है। फॉल गाइज में एक नया अपडेट आने वाला है, जिसकी रिलीज डेट तो नहीं बताई, पर अपडेट में क्या क्या होगा वो सब बता दिया गया है। तो एक नया गेम लेवल आने वाला है, जिसका नाम है बिग फैंस, जो सीसो और वर्ल्डली गिग जैसा होगा। इसमें बहुत से बड़े फैंस चल रहे होंगे, जिसके थ्रू हमें जाकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होगा। फिर इस अपडेट में और भी नई चीजें आएंगी, जैसे कि प्लेयर्स अपनी सर्वर लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, कुछ नई इन गेम लैंग्वेजेस भी आई हैं। उसके अलावा बहुत से ग्लिचेस एंड बग्स को भी फिक्स किया गया है इस अपडेट में, जब ये आएगा। तो इस अपडेट की जो भी लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अगर आप चाहो तो आप इसे पॉज करके पूरी पढ़ सकते हो। तो Assassin's Creed Valhalla फाइनली रिलीज हो चुका है, और प्लेयर्स को इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईस्टर एग भी मिला है। तो ये ईस्टर एग मैं आपको बता रहा हूँ, और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, फिर वरना आप बाद में ये मत कहना कि हमारी स्टोरी या हमारे गेम प्ले को स्पॉइल कर दिया। सो ईस्टर एग ये है कि गेम में अभी चल रही पैंडेमिक को भी इंक्लूड किया गया है। गेम की प्रेजेंट स्टोरी में आपको एक ईमेल मिल सकती है, जहां अभी चल रहे वायरस को लेकर लिखा हुआ है। उसमें लैला हसन कह रही है कि नहीं, मेरे को वायरस नहीं है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और हम यहाँ बस 3 लोग ही हैं जो बिल्कुल अलग हैं सबसे, और एक साथ ही कहीं आते जाते हैं। तो ये पहली बार है कि किसी इतने बड़े एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट में अभी चल रहे सिचुएशन को इंक्लूड किया गया है। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, सो मैंने इसको वीडियो में इंक्लूड कर लिया। और यहाँ जो लोग Apex Legends को मोबाइल पर खेलने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि गेम डिले हो गई है। EA ने वैसे तो कुछ टाइम पहले ही, यानी कि 2019 में कंफर्म किया था कि Apex Legends भी मोबाइल पर आएगी 2021 तक, लेकिन अभी चल रही कंडीशन की वजह से उनके प्लान्स पे पानी फिर गया, और वो कह रहे हैं कि अब गेम 2022 में आएगी। और थोड़ा और नैरो रिलीज विंडो की बात करूं तो शायद सितंबर 2022 तक Apex Legends हम सभी के मोबाइल में होगी। वैसे आप कमेंट्स में बताना कि आप Apex Legends को मोबाइल पर खेलने का वेट कर रहे हो या नहीं। और यहाँ अगली न्यूज़ आ रही है रेड डेड रिडेम्पशन 2 और GTA 5 की तरफ से, जिसमें टेक टू का कहना है कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 की सेल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि जैसे इस साल GTA 5 बहुत ही पॉपुलर हुआ, स्पेशली इंडियन मार्केट में, वैसे ही एक दो साल बाद जब लैपटॉप्स और PC थोड़े अफोर्डेबल हो जाएंगे, और जब ज़्यादा लोगों के पास लैपटॉप या PC होंगे, उसके बाद RDR 2 भी बहुत पॉपुलर होगा इंडिया में। आपको क्या मानना है इसके बारे में, मेरे को कमेंट्स में बताना। उसके अलावा टेक टू ने यह भी कहा कि ये साल GTA 5 के लिए और GTA ऑनलाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, बल्कि आगे चल के तो ये और भी ज़्यादा बिकेगा, क्योंकि अभी इसमें एक बड़ी हाइस्ट और एक लोकेशन आ रही है GTA ऑनलाइन में। उसके अलावा GTA ऑनलाइन को PS5 पर भी लाएंगे, और फिर इसे एनहांस और एक्सपैंड भी किया जाएगा। मतलब आने वाले एक दो साल GTA 5 के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो भैया GTA 6 को तो साइड रखो, यहाँ GTA ऑनलाइन ही रुकने का नाम नहीं ले रहा। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है 4G की तरफ से, जिसमें एक प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो वैसे तो ट्रेलर को देख के लोग ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन मैं कहूँगा कि यार मोबाइल के हिसाब से फिर भी ठीक है ग्राफिक्स, गेम कैसा होगा वो तो खैर आने के बाद ही पता लगेगा। और यहाँ 4G के प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं टैप टैप पे, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि गेम को तो गूगल प्ले स्टोर पे आना चाहिए था। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस पर ट्रस्ट मत करना, कुछ कह नहीं सकते कि ये सही है या फेक है, रियल है या फेक है। अगर कंपनी को सही में प्री रजिस्ट्रेशन करने होते तो वो गूगल प्ले स्टोर पे या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे कर लेते, टैप टैप पे करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। मुझे तो भैया पूरा डाउट लग रहा है इस पे, इसलिए आप इसे मत करना। पता चले कि कोई एक ऐसी ऐप डाउनलोड हो जाए जो कि वायरस हो, या फिर जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी दो प्री रजिस्टर करने के लिए, तो आपके ईमेल पे फालतू की ईमेल्स भेज देना है प्रमोशन के लिए। उसके अलावा जो भी ऑफिशियल न्यूज आएगी 4G से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि गेम दिवाली यानी कि 14 नवंबर को आएगा, आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, बहुत से लोग इसके ग्राफिक्स को भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं लग रहे, तो इस पर विशाल सर ने भी रिएक्ट किया। और विशाल सर बेसिकली वही हैं जिन्होंने इंडिया की
बहुत ही बड़ी गेम डेवलपमेंट कंपनी खड़ी की थी और वो इस फौजी की टीम को भी मेंटोर कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तो गेम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। बेसिकली वो हमारे फीडबैक के अकॉर्डिंग गेम को इम्प्रूव करते रहेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगभग 3 से 6 महीने लगेंगे गेम लॉन्च होने के बाद भी इसे पूरी तरक्की से अच्छे बनने में, क्योंकि वो हमारा डेटा लेते जाएंगे कि हमें गेम प्ले कैसा लग रहा है, ग्राफिक्स कैसे लग रहे हैं, उसके बेस पे वो इसे इम्प्रूव करते जाएंगे। और वो ग्राफिक्स को इस हिसाब से रखना चाह रहे हैं कि लो एंड फोन्स भी आराम से चला सकें और जो हाई एंड फोन्स है वो हाई ग्राफिक्स पे चला सकें। तो शायद फ्यूचर में हमें कुछ अच्छे ग्राफिक ऑप्शंस इसमें देखने को मिल जाएं। तो बेसिकली क्रक्स अगर मैं कहूं तो उनका यही कहना है कि देखो 3 से 6 महीने तो अभी मिनिमम लगेंगे इस गेम को अच्छे से इम्प्रूव होने में, भले ये आ भी जाए तब भी। तो वैसे EA ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि नया बैटलफील्ड गेम आने वाला है, जिसका नाम शायद बैटलफील्ड 6 होगा और ये आ रहा है हॉलीडे 2021 में, मतलब नवंबर या दिसंबर के आसपास मान लो आप। और ये कह रहे हैं कि डाइस इस बार इस गेम को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना रहा है, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये गेम नेक्स्ट जन कंसोल्स पे आएगा लाइक PS5 एंड Xbox सीरीज X, तो इसलिए उनके पास काफ़ी फ्रीडम मिल गई है। बल्कि डेवलपर तो कह रहे हैं कि ये वाला बैटलफील्ड काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है पूरी टीम के लिए और वो इस बार क्रेजी चीज़ें कर रहे हैं, तो देखते हैं जब वो आता है तो कैसा लगता है। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है विचर की तरफ से, और ये एक बैड न्यूज़ है क्योंकि विचर के सेकंड सीजन का प्रोडक्शन रोक दिया गया है, क्योंकि यूके में केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ प्रोडक्शन स्टाफ भी इन्फेक्ट हो गया है। तो देखते हैं कि ये प्रोडक्शन कब दोबारा चालू होती है। वैसे आप बताना कमेंट्स में अगर आपने विचर सीरीज का फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पर देखा है या फिर नहीं। और फिर नेक्स्ट न्यूज़ के लिए चलते हैं कंट्रोल की तरफ, जिसको स्टार्टिंग में जब कंसोल्स पे चलाने की कोशिश की गई थी तो कंसोल की चीखें निकल गई, फिर बाद में गेम को कंसोल्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया, लेकिन वो PC के कंपैरिजन में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लोग अब PS5 और Xbox सीरीज X पे उसे खेलने का वेट कर रहे थे, क्योंकि नए कंसोल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में डेवलपर्स का कहना है कि कंट्रोल अल्टीमेट एडिशन 2021 में आएगा, क्योंकि वो इसे और इम्प्रूव कर रहे हैं और ये PC वर्जन जितना ही अच्छा दिखेगा। और आज की आखिरी न्यूज़ आ रही है एनकोर गेम्स की तरफ से, जो बेसिकली 4G पे ही काम कर रहा है वो स्टूडियो, उसी ने एक और गेम लॉन्च किया है एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए, जिसका नाम है टप्पी और एक म्यूजिक गेम है। बेसिकली इसमें आपको सारे बॉलीवुड के गाने मिल जाएंगे और आप उन सभी बॉलीवुड के म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर सकते हो एक फन वे में, और इस गेम को खेलते हुए और बॉलीवुड म्यूजिक को एंजॉय करते हुए हम हाई स्कोर्स बना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं और फिर कुछ रिवॉर्ड्स भी जीते जा सकते हैं हाई स्कोर के बेस पे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस बस यही था आज के इस गेमिंग न्यूज के एपिसोड में, उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।